आज अपने करेंगे अप्रैल का जो सेकंड पार्ट है जीके का, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले अपने को फिर से दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि करंट अफेयर्स में अपना जो क्लैट का पेपर है उसमें एक टॉपिक अपने को दिया होगा और उससे रिलेटेड 5 सवाल एग्जामिनर अपने से पूछेगा। और अगर अपने को उस टॉपिक के बारे में डेप्थ में नॉलेज नहीं है तो अपने उसके 2 या 3 सवाल तो कर लेंगे लेकिन सारे सवाल नहीं कर पाएंगे। तो अपने कोशिश करेंगे कि कोई भी अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अपने डेप्थ में पढ़ें, उसका स्टार्टिंग से अपने उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ें और उसको समझ के सॉल्व करें। आज अपने जब स्टार्ट करेंगे तो पहले अपने क्या करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अप्रैल के मंथ में इंपॉर्टेंट थे उसको समझेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या है, जो तेलंगाना के सीएम है चंद्रशेखर राव, उन्होंने क्या किया है, इंडिया का टोलेस्ट अंबेडकर स्टैचू का अभी इनोग्रेशन किया है, वो कहाँ पे हैदराबाद में। अब एग्जाम में अपने लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई तेलंगाना का सीएम कौन है, ठीक है, लेकिन अपने को मान लो कोई तेलंगाना की नई पॉलिसी आई या कुछ भी ऐसा आया तो उसमें पूछ लेगा कि कौन है सीएम, तो अपने को पता होना चाहिए। वैसे अपना एग्जाम नेशनल लेवल एग्जाम है तो अपने को फिर भी मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना का सीएम कौन है, चंद्रशेखर राव है, उन्होंने किस लिए न्यूज में था, अंबेडकर का जो स्टैचू है जो बहुत ही बड़ी मूर्ति है उसको इन्होंने क्या किया है, इनोग्रेट किया है। अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी पहले ही न्यूज में थी, ठीक है, और अब ये वाला स्टैचू और आ गया। ठीक है, एक चीज और इसमें अपने को ध्यान रखनी है कि जब अपने अंबेडकर जो है ना उसके क्या क्या रोल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका हेड कौन था, बी आर अम्बेडकर। अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बी आर अम्बेडकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये लॉ से रिलेटेड आदमी है तो अपने को इसके बारे में और अच्छे से बताना चाहिए। कितना फिट टॉल है, 125 फिट टॉल है। दूसरी बात जो अपने को इसमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये कब इसको इनोग्रेशन किया है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी जिसको बी आर अम्बेडकर की, तभी इसको इनोग्रेट किया है। दूसरी बात अपने को इसमें ये बात नहीं होनी चाहिए, इसमें 360 टन स्टील यूज हो रहा है, ये अपने से नहीं पूछेंगे। कहाँ पे लोकेटेड हैदराबाद का जो फेमस हुसैन सागर लेक है वहां पे, ये पता होना चाहिए कि हुसैन सागर लेक है कहाँ, हैदराबाद में। एग्जामिनर सीधा पूछ लेगा कि हुसैन सागर लेक कहाँ पे हैदराबाद में है, क्यों पूछ लेगा, क्योंकि हैदराबाद का ये स्टैचू न्यूज में था और भारत का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपने इसको। नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश का जो सांची है वो वर्ल्ड का पहला सोलर सिटी बन गया है जो कि सूरज की रोशनी पे चलेगा, काम करेगा। ठीक है, अपने को ये पता होना चाहिए जो सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है एमपी की, वहां पे भोपाल के पास में वहां लोकेटेड है। इंडिया का पहला सोलर सिटी वो बन गया है, सांची एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अपने को यह भी मालूम होना चाहिए कि ये कंट्री की पहली सोलर सिटी होने वाली है। अब देखो क्या है ना, हम धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं और उसमें हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो एनर्जी, एक तो क्या है कि हमारा मेन ग्रीन प्लानट बनाने का मोटिव है कि हम कार्बन को रिमूव कर दें और अपने बिजली भी उससे पैदा करें, जैसे सूरज की रोशनी से और उन सोर्सेस से पैदा करें, और ये सिटी पहली सिटी बन गई है जो सोलर सिटी बन गई है। तो बस अपने को क्या याद रखना है कि एमपी की कौन सी सिटी है, सांची। देखो याद करना है ना तो लिंक कर लो। अब देखो इसमें क्या है, सन है ना, ठीक है, सोलर सिटी तो सांची, सांची में भी सन ही आ रहा है जैसे, ठीक है, तो याद रहेगा ना कौन सी सिटी बन गई है, सांची, सांची, सांची कौन सी सिटी बन गई है, पहली सोलर सिटी। तो अपने कुछ कुछ लिंक कर लेंगे ना तो अपने याद कर पाएंगे, नहीं तो अपने भूल जाएंगे। तो कोई पूछ ले इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी है, सन, सन से ही सांची, ठीक है, सांची कहां पे है, एमपी में, याद रहेगा। चलें आगे, रिव्यूइंग द ऑनगोइंग वर्क, एमपी के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बोला है कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए, सोलर प्रोजेक्ट्स जो भी हैं स्टेट में हम ज्यादा से ज्यादा चलाएं, उनके ओपिनियन मैटर नहीं करते, बस अपने को इतना पता होना चाहिए कि सोलर सिटी कौन सी बन गई है। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट है, इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन कावेरी। कल वाला जो टेस्ट था ऑनलाइन ऐप पे उस पर भी यह सवाल था कि कावेरी जो ऑपरेशन है वो किस लिए न्यूज में है, हुआ क्या, साउथ सूडान करके कंट्री है वहां पे सिटीजन्स हमारे फंस गए हैं। ठीक है, तो उन सिटीजन्स को बचाने के लिए इंडिया ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कावेरी। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना, एक प्रोजेक्ट और था ऑपरेशन गंगा, वो क्यों न्यूज में था, जो यूक्रेन में अपने इंडिया वाले बच्चे फंस गए थे उनको लाने के लिए जो हमने ऑपरेशन शुरू किया था वो था ऑपरेशन गंगा। और कावेरी क्या है, वो ऑपरेशन है जो सूडान में सिटीजन्स फंस गए हैं वार के चक्कर में, उनको भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी। फिर पढ़ लेते हैं इसको, इंडिया के ने स्टार्ट किया ऑपरेशन कावेरी, किससे स्टार्ट किया है, जो नेशनल्स हैं, ठीक है, कहां पे, सूडान में फंस गए हैं उनको निकालने के लिए। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का नाम क्या है, एस जयशंकर, ठीक है,
इनके हिसाब से 3000 इंडियंस स्टक हो गए हैं और इनको बाहर निकालने के लिए हमने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, ऑपरेशन काबिल। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। इंडिया होस्ट कर रहा है एससीओ समिट, कब? 3 से 4 जुलाई में न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहां पे हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। ठीक है, और इसमें कौन आएंगे? रशिया जो हमारा दोस्त है उसका प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इंडिया में आ रहे हैं पहली बार, जब यूक्रेन वार हुआ था उसके बाद भारत में लौट रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। शंघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया क्या है, कहां पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। कब हो रहा है? 3 से 4 जुलाई। जब 3 से 4 जुलाई वाला अखबार अपने पढ़ेंगे महीने बाद, तब पुतिन आएगा, उसकी न्यूज आएगी खूब सारी, तो ये तब और न्यूज में आ जाएगा, तो इसको अपने ढंग से पढ़। ठीक है, एससीओ के फोरम मीटिंग्स अभी गोवा में भी हुई थी 4 से 5 मई में, उसको फाइनल टच को एजेंडा को करने के लिए अब दोबारा न्यू दिल्ली में हो। अभी कहां पे हुई थी? गोवा में फॉरेन मिनिस्टर्स की, और अब कहां होगी? दिल्ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है। इंडिया 6 जंप प्लेस कर चुका है, ऊपर पहुंच गया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक क्या होता है कि जो भी पोर्ट है अपना या जो भी ट्रांसपोर्ट वाला टाइम है, कितना कोई कंट्री कम टाइम देती है ट्रांसपोर्टेशन में, उसका रैंक उतना बढ़िया होगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो इंडिया ने बहुत इंप्रूव किया है, पहले इंडिया का रैंक 44 था, अब कितना हो गया है? 38। तो ये कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक इसका डाटा रिलीज करता है। दूसरी बात जो अपने को पता होनी चाहिए, वो ये बात पता होनी चाहिए कि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके अंदर क्या वो हर साल रैंकिंग आती है? नहीं, हर साल नहीं आती, वो 2 ईयर्स के बाद आती है। ठीक है, तो 2 साल बाद कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? ये पता लगाना कि कोई कंट्री कितना कम समय ले रही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। याद रहेगा अपने को, क्या याद करना है? इंडिया का रैंक अब कितना हो गया है? 38th। टोटल कितनी कंट्रीज थी? 139। ठीक है, इंडिया ने कैसे इंप्रूवमेंट किया? इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इंडिया का रैंक सुधर गया। पहले पिछले साल तो कोई रैंकिंग आई नहीं, उससे पिछले साल 2 साल पहले जब आई थी तब कितना था? 44th। हर बार कब आती है? 2-2 साल बाद आती है। ठीक है, अपने को एक और पता होना चाहिए, जो रोड ट्रांसपोर्ट है इनका मिनिस्टर कौन है? गडकरी। इतनी चीज पढ़ लोगे बहुत है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, ये अपने पढ़ ही चुके, वही न्यूज है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे उत्तराखंड का माना फर्स्ट विलेज बन गया है, जो कि ब्रो ने साइन बोर्ड पुट किया है। अब ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज क्या है कि पहले इसको लास्ट विलेज बोलते थे, उत्तराखंड का माना है ना कि लास्ट विलेज है इंडिया का। अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रो, ठीक है, इन्होंने क्या किया, वहां पे एक साइन लगा दिया इंडिया फर्स्ट विलेज। पहले क्या बोलते थे? इंडिया का आखिरी विलेज है ये। अब उन्होंने बोर्ड चेंज कर दिया, वहां पे लगा दिया इंडिया का पहला विलेज। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि ब्रो ने कहां पे साइन किया है, तो उत्तराखंड के माना जो डिस्ट्रिक्ट है या जो विलेज है, इसको बोला है कि ये इंडिया का पहला विलेज है। ये रहेगा याद, उत्तराखंड माना विलेज विच वाज अर्लियर नोन एज लास्ट इंडियन विलेज विल नाउ बी नोन एज फर्स्ट इंडियन विलेज। देखो सिर्फ है ना साइकोलॉजी की बात है कि अपने इसको कैसे सोचते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, और इसको अपने क्या बोलेंगे, अब इंडिया का पहला विलेज बन गया। ठीक है, एक चीज और तुम्हें मैं बता दूं कि जब अपने एग्जाम दे रहे हैं ना, तो जो अपनी कट ऑफ आएगी, कट ऑफ से अगर एक नंबर ऊपर आ गए अपने, तो सब क्या कहेंगे कि बहुत ही मेहनती बच्चा है, बहुत ही लायक बच्चा है, बहुत ही बढ़िया है, इसके ऐसा कोई है ही नहीं। और कट ऑफ से एक नंबर नीचे आ गए तो इससे निकम्मा कोई नहीं है। ठीक है, अभी पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ। अब एक नंबर इधर आ गए अपने कट ऑफ से, सारे लोग तारीफें करेंगे, और एक नंबर नीचे तो घरवाले कहेंगे कि पता ही था इसको होना ही नहीं है, फोन चलाता रहता था ये। ठीक है, कुल मिला के अपने को अपने रिजल्ट ही है जो अपने को अपना कैरियर सेट करने वाला है, कोई आके अपने को नहीं रिवार्ड देने वाला। इवन अपने जो माँ बाप भी है उनको भी अपने रिजल्ट से मतलब है अल्टीमेटली, वो उनको पता है कि रिजल्ट आ गया तो ये लाइफ सेट हो जाएगी इसकी, आगे नहीं आया तो फिर अपने आगे और दूसरे एग्जाम्स में फिर चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्रो की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बस ये बताना चाहिए। ठीक है, इन्होंने साइन बोर्ड किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, किसने साइन बोर्ड किया? आर्मी ने किया है और किसने किया है? तो ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने साइन बोर्ड लगाया है। चले चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है। जो स्क्वाड्रन लीडर है शिवांगनी सिंह, इंडिया की पहली फीमेल राफेल पायलट है, वो पार्टिसिपेट करने जा रही है एक्सरसाइज ओरियन में। कौन सी एक्सरसाइज में? ओरियन में, जो कहां हो रही है? फ्रांस में। तो अपने को पता होना चाहिए, एक तो फीमेल है, ऊपर से राफेल की पायलट है,
दूसरी बात, एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रही है ओरियन, कहां पे होने वाली है वो? फ्रांस में। फ्रांस और इंडिया की एक्सरसाइज है ओरियन, कहां होने वाली है ये? फ्रांस में हो रही है। कौन जा रहा है? शिवांगनी सिंह। तीनों बातें याद रहेगी। राइट लेफ्टिनेंट शिवांगनी सिंह इज इन फ्रांस टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज वेयर इंडिया हैज सेंट द राफेल जेट्स, ठीक है। और राफेल भी हमने पहली बार भेजे हैं कंट्री से बाहर, और इसमें भी एक वुमेन जा रही है, ठीक है। इससे पहले क्या कोई वुमेन जा चुकी है? हाँ, इससे पहले एक लेडी है जिसका नाम है अमनी चतुर्वेदी, जो जापान गई थी, और वो कौन सी एक्सरसाइज में गई थी? धर्मा गार्जन। याद रहेगा पहली चीज तो क्या आपने सीखी कि अमनी जो सॉरी शिवांगनी सिंह है, इसको हम कहां भेज रहे हैं? कौन से कंट्री में? फ्रांस में। किस में जा रही है? राफेल में जा रही है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? ओरियन है। दूसरा आपने क्या सीखा? इससे पहले कोई लड़की गई है? हाँ गई है, अवनी चतुर्वेदी। कहां पे गई है? धर्मा गार्जन में गई है, और वो कौन सी कंट्री में गई थी? जापान। चले आगे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोहम्मद शाहबुद इन टेक्स ओथ एज बांग्लादेश न्यू प्रेसिडेंट। बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बन गए, इनका नाम है मोहम्मद शाहबुद्दीन। पड़ोसी देश है अपना, इनको पता होना चाहिए अपने को इनका राष्ट्रपति कौन है। क्लैट देखो कैसे एग्जामिनर है ना, सवाल पूछता है। अब पिछले से पिछले वाली क्लैट की बात है, क्लैट 2021 की। तो क्लैट 2021 में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी वहां गए थे बांग्लादेश ट्रिप पे। अब सवाल क्या पूछे उसने कि नरेंद्र मोदी ट्रिप पे गए हैं बांग्लादेश, क्लैट ने पूछा कि बांग्लादेश का जो पहला प्रेसिडेंट था उसकी डेथ कब हुई? अब ये ऐसा सवाल है ना, किसी को भी नहीं आता, पर जो बच्चा पैनिक करके सोचेगा इतना घटिया सवाल है, वो टाइम खराब कर लेगा अपना। अपने को क्या करना था? उसको स्विच करके आगे चले जाना था। क्यों? क्योंकि किसी को भी नहीं आएगा। अटपटा सवाल आ रहा है, जैसे एक बार ये पूछ लिया पी चिदम्बरम में पी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब ऐसे सवाल आ भी गए तो वो सबके गलत होंगे। पिछली बार आया था कि यूक्रेन का जो प्राइम मिनिस्टर है या जो है बैलेंस का ही, उसमें कितने बार वाई आता है, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई सवाल आ रहे हैं उठ-फुटे तो अपने को घबराना नहीं है, अपने को पता है सबके लिए आ रहे हैं एग्जाम में। एग्जाम है ऐसा, अगर टेढ़ा आ गया सवाल सबके लिए, इजी आ गया सबका है। तुम्हारे को क्या करना है, जितने कम तुम गलत सवाल करोगे, जितने इजी सवाल हैं उसको सही कर दो तो ही भी हो जाएगा अपना, है ना। सारे जो मुश्किल मुश्किल सवाल हैं छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ कितनी आती है? 150 में से 70 वाले का हो जाता है फ्लैट, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है। 30 years आफ्टर द वर्ल्ड स्टार्टेड यूजिंग IT, जापान अप्रूव इट्स फर्स्ट एवर अबॉर्शन पिल। पूछ देंगे जापान ने कौन सी पिल स्टार्ट की है, अबॉर्शन पिल, ठीक है। अबॉर्शन पिल की जरूरत थी या नहीं थी ये पढ़ते हैं। जापान ने अबॉर्शन पिल स्टार्ट की है। द पिल कम्स एमिड गोल फॉर प्रोग्रेस इन वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड जेंडर इक्वलिटी एंड वुड सर्व एज अल्टरनेटिव टू सर्जरी। पहले सर्जरी एक ऑप्शन था, अगर आप नहीं चाहते बच्चा तो सर्जरी करानी पड़ेगी। अब क्या कर दिया है कि आप एक दवाई बना दी है, वो ले लो और सर्जरी की जरूरत नहीं है। मेन क्या है, वुमेन्स को राइट दे रहे हैं। अगर वो नहीं चाह रही कोई बच्चा कंसीव करना तो वो ये अबॉर्शन की पिल ले सकती है। पहले जापान ने अलाउ नहीं किया था, उसको इलीगल बोल रखा था, अब इसको अलाउ कर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूज क्या है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मेट्स इंडिया फर्स्ट क्लोन गिर काउ। तो कौन सी एनिमल से वो मिली है? एक काउ है। क्लोन क्या होता है? वैसे का वैसा बना देते हैं साइंटिफिक रीजन से, ठीक है। तो कौन सी काउ है? गिर काउ है। कौन मिला है? प्रेसिडेंट मिला है द्रौपदी मुर्मू से, जो पहली क्लोन गिर काउ है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिटेड द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन करनाल। पूछ लेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पे? कहां पे है? हरियाणा के करनाल में है। वेयर शी मेट विद गंगा, गंगा उसका नाम है, जो इंडिया की पहली गिर काउ है। याद रहेगा क्या नाम है? गंगा। और गंगा कौन है? इंडिया की पहली गिर काउ, ठीक है। दो सवाल हो गए इसमें। पहला सवाल तो ये हो गया नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां भारत में? करनाल हरियाणा में। दूसरी बात, जो द्रौपदी मुर्मू थी वो मिली है कौन से एनिमल से? मिली है शीप से, मिली है गोट से, मिली है कैमल से, मिली है किससे? मिली है काउ से, मिली है। काउ कौन से ब्रीड की थी? गिर काउ थी, ठीक है। आगे, गंगा वाज बोर्न एट दिस फैसिलिटी, द क्लोनिंग वाज एनकम्प्लिश्ड बाय प्रोसेस नोन एज सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। पूछ लेंगे उस प्रोसेस का नाम क्या है? ये है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, SCNT, विच इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग द जेनेटिक मटेरियल इन एन एग सेल, और ये साइंटिफिक तरीके से इसको चेंज कर देते हैं। बाकी आप ये पढ़ लेना, इसमें कुछ खास है नहीं इतना, ये चार सवाल ये पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश सिंह बादल, 5 टाइम पंजाब के CM रह चुके हैं, इनकी डेथ हो गई और 95 ईयर्स की एज, ठीक है। 5 साल कोई बंदा CM रहा है, अपने को पता होना चाहिए ना कहाँ का है,
पंजाब का था, इसकी डेथ हो गई है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं पूछे। क्लैट वैसे ऐसा पूछता नहीं है, ओबिट्री वाले ना, कोई आदमी मर गया है एक बार ही पूछा है, वो बांग्लादेश वाला जो मर गया उसके बारे में अब क्या बात करनी है, नहीं पूछता एग्जाम। ठीक है, रतन टाटा रिसीव्स द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरी कंट्री अपने एक बिजनेसमैन को अवार्ड दे रही है, तो अपने को तो पता होना चाहिए ना उसके बारे में, किसको दे रही है, रतन टाटा कौन सी कंट्री दे रही है, ऑस्ट्रेलिया, उसका अपना हाईएस्ट अवार्ड, जैसे अपने भारत रत्न किसी को दें तो कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, रतन टाटा। रतन टाटा वॉज अवार्डेड एज द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन दैट कंट्री, हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूज में। रतन टाटा कौन है, टाटा एंड सन्स के मालिक है। देखो यार, टाटा है ना और अंबानी हो गया, अदानी हो गया, अंबानी और अदानी ने पैसे कमाए हैं, ठीक है, पर टाटा ने क्या कमाई है, इज्जत। ये आदमी ने इतना दान दिया ना, क्यों, क्योंकि टाटा पे भरोसा कर सकते हैं हमने अभी भी, अदानी पे नहीं कर सकते। अदानी में अब देखो हिडन वर्ग में कैसे उसका चूना लगा दिया, पूरा ही नीचे चला गया, ठीक है, मेरे पास खुद के पास शेयर्स थे अदानी पोर्ट्स वाले, वो आधे आधे हो गए, ठीक है, हुए भी थे वो 5-6 गुना 10 गुना, पर टाटा के शेयर है ना, अगर भी तुम्हें भी ये लगता है ना कभी कि भाई बैंक में पैसा रखना ही नहीं रखना, टाटा के कोई भी शेयर में डाल के रख दो पैसा। टाइटन एक शेयर था टाटा का, ₹2 का था 2002 में, ठीक है, अब वो चल रहा है ₹2700 का, ₹2 वाली चीज 2002 में, यानी किसी ने ₹2 के 1000 ले लिए, ₹2000 लगे, अब कितना है 2700, तो 2700 हजार हो गया, वो ₹2000 ₹2,700,000 बन गए, ठीक है। तो रतन टाटा क्या है, क्योंकि इनका क्या है ना, शुरू से ये फंड रहा है, इनके कोई बच्चा भी नहीं है, ठीक है, इनका यही कॉन्सेप्ट रहता है, गोद ले लेते हैं, इन्होंने शादी भी नहीं की, ठीक है, तो ये लोग क्या है, खासकर रतन टाटा हो गया, ठीक है, ये पूरा ना इनको ये नहीं है कि पैसा ही पैसा कमाना है, इनको पता है कि भाई एक सोसाइटी को कैसे रिटर्न करना है, ठीक है। तो जमशेद सिंह जी थे इन्होंने, जिनके फादर वो सब थे, उन्होंने जमशेदपुर बसाया, यानी देश के लिए बहुत सही काम किया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज डे यूएन में कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 अप्रैल, ठीक है, याद रहेगा, बहुत औखा है याद करना, पर इसको कुछ लिंक करते हैं, देखो अब ऐसे याद करना है इसको, देखो एक तो क्या है इंग्लिश है ना, इसको किससे लिंक करोगे तुम लोग, डेट है बहुत कंफ्यूजिंग थी, इसको बार बार ही पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कैसे इसको अपने करें, और बस ये पूछ लेंगे अपने से क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जन्मदिन भी है और डेथ भी है शेक्सपियर की, ठीक है। शेक्सपियर एक आदमी था जो लिटरेचर लिखता था, बहुत तगड़े नॉवल्स लिखे हैं इसने, वो लिखे हैं प्ले लिखे हैं, तो उस दिन इसका जन्म भी हुआ था, डेथ हुआ था, तो इसी कारण इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाते हैं यूएन 23 अप्रैल को, ठीक है, जन्मदिन भी था और मरण दिन भी इसका। नेक्स्ट है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी 23 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक बार अपने ने जो पढ़ा है वो तो अपने ने सीख लिया, अपने क्या क्या सीखा, शुरू में अपने ने क्या सीखा था कि राफेल के बारे में पढ़ा अपन ने, फिर अपने ने पढ़ा उसके बारे में क्या बोलते हैं ये टाटा वाले के बारे में पढ़ा, फिर अपने ने पढ़ा काउगेर के बारे में, फिर अपने पढ़ा द्रौपदी मुर्मू वाला अपने ने पढ़ा, ठीक है। अब अपने एक बार इनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, ताकि अपने को याद रहे कि अपने ने क्या क्या सीखा है, ठीक है। चलो शुरू में अपने क्या सीखा था, एक वो बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी के टाइप, अम्बेडकर स्टैचू बना है जो सबसे लार्जेस्ट है। फिर अपने ने क्या सीखा, इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन कावेरी, किस लिए किया है, जो साउथ सूडान में फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए। फिर अपने ने क्या सीखा कि इंडिया होस्ट करी SCO समिट, ये भी अपने ने पढ़ लिया, ठीक है। फिर अपने ने क्या सीखा, इंडिया ने जंप किया है वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स में, ठीक है। और बताओ तुम बिना सोचे क्या क्या अपने सीखा है, एक अपने ने वो सीखा था कि जिसमें वो अवनि चतुर्वेदी वाला, ठीक है। फिर अपने ने वो सीखा, और क्या सीखा बताओ, माना गांव जो उत्तराखंड का है, ठीक है, सांची के बारे में अपने ने सीखा है, सांची में क्या सोलर सिटी बन गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो अपने ने फाइल पढ़ ली ना, इसकी मैं PDF शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, इसको पढ़ लेना, फिर इसका टेस्ट अपने रखेंगे ऐप पे, ठीक है।
आज अपने यही टॉपिक पढ़ेंगे, इतने थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में जब अपने आए तो उसको तो याद रख के अपने टेस्ट दे ले और फिर अपने आगे कंटिन्यू करें। ठीक है सर।